हेलो बच्चों, आइए चलिए हम लोग देखेंगे। आज पढ़ रहे थे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे हम लोग, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपसे कि HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, और क्वेश्चन ने कहा फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। कहा ये आपको HCF दिया है, LCM बताना है, ठीक ना। अब देखो बच्चा, आपको HCF ये देखो इन दो नंबर का दिया, यानी ये दो नंबर आपके दिए हुए, इन दोनों नंबर का देखिए ये HCF मालूम है आपको, तो इसका LCM बताना है। हमने कल एक फार्मूला बताया था आपको, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बताया था मैंने। अब देखिए इसका HCF कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, तो 9 हो गया। LCM बताना हमें, फर्स्ट नंबर है 306 और ये हो गया 657। अब हमको LCM देखिए निकालना था, तो 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ये देखिए हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे, इससे इसको कट कर लेंगे, कट करने के बाद जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 22, 33 और 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये काम करना है, दो नंबर दिया था, इन्हीं दोनों का देखिए HCF दिया है, तो LCM बताना था, तो फार्मूले में रख के बस मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सा आसान सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपसे कोई नंबर दे दिया जाएगा और पूछेगा कि वो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है, ऐसा कुछ पूछेगा, ठीक। तो आपको मालूम है वो प्राइम नंबर होगा तो वन और खुद के अलावा किसी से कटेगा नहीं, यानी उसका कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता, ठीक। और अगर वो कंपोजिट होगा तो उसका कोई ना कोई फैक्टर हो जाएगा, हमें पूरा फैक्टर करने की जरूरत नहीं क्वेश्चंस में, देखिए बिल्कुल बस केवल आप क्वेश्चन कैसे करें। जैसे अभी आपको 6 वाला क्वेश्चन मैं बता दूं, 7 इंटू 11 इंटू 13 लिखा हुआ है और प्लस क्या है 13, ऐसा एक नंबर दे दिया आपसे, पूछा गया कि क्या एक कंपोजिट नंबर है, तो आप देखिए इस नंबर में देखिए आप प्लस 13 है, यानी 13 कॉमन कर सकते हैं, तो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा, 13 निकल गया यहां से भी, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 13 निकल गया। अब देखिए जो भी नंबर होगा इस नंबर का, देखिए यहाँ 13 का पूरा मल्टीपल हो गया नंबर, ये जो भी नंबर है ये पूरा क्या है 13 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर 13 से भी कट गया, ठीक। तो इसलिए ये नंबर किसी से कटना नहीं चाहिए, अगर कट जाता किसी से तब तो कंपोजिट हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो क्या रहेगा प्राइम। तो अभी तो फिलहाल ये 13 का फैक्टर हो गया, तो ये नंबर 13 से कट जाएगा, तो आप लिख देंगे क्या, इट इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर हो गया ये, कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट हो गया, बिकॉज इट हैज मोर देन टू फैक्टर, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, एक तो वन हो गया, एक तो ये नंबर खुद में है, और उसके अलावा देखिए यहां पे 13 भी आ जा रहा है, कुछ और भी आएंगे ऐसे, ठीक। अब वैसे भी आपके दो से जैसे ही ज्यादा हुए तुरंत कंपोजिट हो जाएगा, एक वन एक खुद, उसके अलावा एक नंबर हमें और मिल गया, तो इसका मतलब कंपोजिट हो गया, प्राइम होता तो मिलता ही नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस करना था। अब देखिए इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अक्सर करके आपसे पूछेगा, कोई नंबर कर देगा ऐसे, कहेगा 4 to the power n है या 6 की पावर n है या 8 की पावर n है, कहेगा कि अगर ये आपका n कोई नेचुरल नंबर है तो क्या n की किसी वैल्यू के लिए ये जो नंबर है इसको सॉल्व किया जाएगा, तो क्या उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। तो किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 कब हो सकता है, जब इसके फैक्टर में 2 और 5 आए, जब 2 और 5 आएगा तभी तो 5 to the 10 बनाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। तो हमें बस केवल सिंपली ये बता देना रहेगा कि उसके फैक्टर में अगर 2 और 5 दोनों मिल रहा है तो उसका यूनिट प्लेस 0 होगा, और नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन से ही कॉपी करना है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन का चेक वेदर 6 to the power n, तो आप लिखेंगे ऐसे 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लिख दिया आपने 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, कब, इफ इट हैज क्या 2 and 5 एज अ फैक्टर, अगर इसके पास 2 और 5 दोनों फैक्टर होगा तभी ये यूनिट प्लेस इसका 0 होगा। देखो फैक्टर करते हैं, 6 to the power n क्या आएगा, 2 into 3 की पावर n हो गया, 6 का फैक्टर 2 into 3, हमें 2 भी चाहिए था 5 भी चाहिए था, तो 2 तो मिला 5 मिला ही नहीं, इसका मतलब यूनिट प्लेस 0 नहीं होगा। तो आप बता देंगे यहाँ 6 to the power n, therefore 6 to the power n कैन नेवर बी
can never end with the digit क्या जीरो, कभी भी इसका यूनिट प्लेस जीरो नहीं होगा, यानी इसका जो लास्ट वाला यानी फर्स्ट इधर से देखा जाए तो यूनिट प्लेस जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर में टू और फाइव दोनों नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, वैसे कहा दिया फोर टू द पावर एन, तो बता दिए फोर टू द पावर एन कैन एंड विद द डिजिट जीरो इफ इट हैज टू एंड फाइव एज अ फैक्टर। तो यहाँ फोर टू द पावर एन क्या आएगा, टू इंटू टू, फिर इसमें फाइव नहीं मिला, इसका मतलब फोर टू द पावर एन एंड नहीं होगा जीरो से। तो ये आपको काम इस क्वेश्चन में कर देना, ठीक। तो यही सब तमाम क्वेश्चन थे जिसे आपको देखना था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। थैंक यू।